सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। फ्री फायर में मैंने ट्रेनिंग मोड लगाया है और आज मैं देने वाला टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्नाइपर्स। सो स्नाइपर में तो मैं बताऊंगा सबका रहता है। दिखा तो पहले स्नाइपर ले लेते हैं। मैं अभी AWM ही लूँगा, बाकी का मैं बाद में बताता हूँ। पहले AWM और इसके अटैचमेंट्स, मतलब सीधा मैं गन पे नहीं जाऊँगा, पहले सेंसिविटी कंट्रोल्स वगैरह पे भी जाएंगे। रिलोड कर लेते हैं। सो ये वाले को भी रिलोड करना है, मैं भूल गया। सो अभी मैं सीधा सेंसिविटी पे जाऊंगा तो नहीं, सेंसिविटी पे नहीं जाएंगे, कंट्रोल्स पे चले जाएंगे। क्योंकि ये देखो जो सेंसिविटी है ना, मेरे को बाकी से कोई लेना देना नहीं, बस मैं बस AWM का बताऊंगा। सो अभी पहले कंट्रोल्स में चले जाते हैं। कंट्रोल्स में यहाँ पर ये जो नॉर्मल और होल्ड फायर टू स्कोप है, पहले नॉर्मल बता देता हूँ, हमेशा होल्ड फायर टू स्कोप पे रखो। पहले नॉर्मल पे बता देता हूँ, नॉर्मल पे होता क्या, ये देखो अभी ये यहाँ पर आया, मारा, ये देखो स्कोप खुलेगा ही नहीं। मतलब जब स्कोप खोलना है ना तो स्कोप खोलो फिर बाद में फायर करो, बहुत टाइम लगता है, इसलिए उसको होल्ड टू फायर पे रखो। क्योंकि उस पर जैसे ही फायर बटन पे होल्ड करोगे तो वो स्कोप खुल जाएगा अपने आप। ये देखो ये खुला और मारो, ऐसा होता है। तो मैं तो बोलूँगा होल्ड टू फायर स्कोप पे रखो, क्योंकि इतना बार बार मगजमारी कोई नहीं करता। बार बार स्कोप बटन खोलो फिर फायर करो, और कैंसिल करना है तो वापस से स्कोप वाले पे दबाओ। तो सीधा जाते हैं अभी किस पे जाए, ऑटो पिकअप पे तो मेरे को नहीं जाना है, अभी कंट्रोल्स पे ही चलते हैं। क्योंकि कंट्रोल्स में ना, अभी कंट्रोल्स में बताता हूँ, पहले आते हैं किस पे जाए, फायर बटन वगैरह पे नहीं जाएंगे, पहले इस पे जाते हैं। हाँ ये देखो ये बटन तो जानते ही हो, इमोट वाला बटन जो हम लोग इमोट दिखाते, देखो बड़ा किया हूँ मैंने। और एक और इमोट का बटन होता है, वो पेट का होता है, ये देखो ये पेट वाला। मैं पेट यूज़ नहीं करता मैंने, इसलिए इसको साइड में रखा है। जो यूज़ करते हैं पैट वो भी यूज़ कर सकते हैं इमोट बटन की जगह पर, लेकिन मैं इमोट वाला यूज़ करूँगा क्योंकि मैं पैट यूज़ नहीं करते इतने। सो मैंने अभी ले लिया अपना इमोट बटन और इमोट बटन। सो इमोट बटन को सेंटर में रखना है। उससे पहले जो सेंटर की जो चीज़ है इसको हटा देते हैं थोड़ा, ये यूज़ वाला। और यहाँ पर इमोट बटन जस्ट हमारे डिफ़ॉल्ट एम पे रखेंगे। एकदम भी छोटा नहीं करने का, ये अभी सही से लगा नहीं, पहले बड़ा कर लो और ट्रांसपेरेंसी फुल रखो, फिर आने इस पे लेके आओ डिफ़ॉल्ट एम पे। जैसे ही डिफ़ॉल्ट एम पे लाने का एकदम अच्छे से हो जाए तब इसको छोटा कर दो। एकदम जस्ट सेंटर में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, वो थोड़ा सा साइड में रह गई। और एकदम भी छोटा मत कर देना, थोड़ा मतलब 20 तक रखना, और जो ट्रांसपेरेंसी उसको 10 पे नहीं रखने का, उसको थोड़ा 30 तक लेके आना। क्योंकि जब हरा सब मतलब ग्रास वगैरह आते तब वैसा हो जाता है। सो बस इतना ही। अभी देखो अभी दिख रहा है ना, अभी डिफ़ॉल्ट एम दिख रहा है, लेकिन जैसे स्नाइपर हाथ में आते हैं वैसे ही सारे डिफ़ॉल्ट एम हट जाते हैं। देखो डिफ़ॉल्ट एम है, ये हट गया, तो ये डिफ़ॉल्ट एम की जगह काम कर रहा है और हेडशॉट अच्छे से लगता है। मैं ये स्नाइपर का टिप्स एंड ट्रिक्स तो पहले ही डाल देता पर, लेकिन हुआ क्या कि जब मेरे को वीडियो ड्रॉप करना था तभी नया अपडेट आ गया, तो उसमें ग्लिच था कि एक ही स्नाइपर से दो गोली निकलेंगी बिना विदाउट रिलोड के, ऑन दी स्कोप। सो प्रॉब्लम हो गया वही, तो अभी मैं नया ग्लिच देखा हूँ तो अभी उसके ऊपर करेंगे, इसलिए टाइम लग गया थोड़ा इस पर। और अभी बताते साइलेंसर और मजल पे। साइलेंसर और मजल पे होता क्या है, साइलेंसर में मतलब देखो साइलेंसर में आवाज़ बस दबती है, और साइलेंसर में कोई भी लेवल नहीं होता, पर जो मजल होता है ना, ये वाला मजल वाला, इसमें मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है। अगर AWM पर अगर थर्ड लेवल मजल मिलता है तब ले लो, साइलेंसर को हटा दो, क्योंकि साइलेंसर बस कैंप के टाइम पे काम आता है। मतलब अभी क्लैश कॉड खेल रहे तो उधर साइलेंसर तो बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि वहाँ पर मजल 3 देंगे, क्योंकि सबको मालूम है यहाँ पर फायर होने ही वाला है इतनी छोटी से एरिया में। तो इसलिए मैं तो बोलूँगा मजल ही यूज़ करो अगर रश करते हो, और अगर ऐसा कैंप करके बैठे रहते हो तो साइलेंसर वापरो। अभी आते हैं सेंसिविटी नहीं, अभी इस पे आते हैं स्कोप वाले पे। सेंसिविटी में बाद में बताता हूँ, उस जो स्कोप वाला बटन है पहले स्कोप के लिए उसको थोड़ा ऊपर कर दो, अपना ये जो दिख रहा है बटन भागने वाला, स्कोप को ये साइड ले लो। बताता हूँ मैं क्यों ये साइड लेने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जमेगा नहीं पर बाद में ईजी रहेगा। देखो राइट साइड के बटन में जितनी भी जगह रहती है सारी, ये देखो आराम से मतलब स्कोप खोल के मार सकते हो, पर लेकिन जब भी वो राइट साइड में रहता है तो राइट साइड में हम लोग को बहुत सारे बटन यूज़ करने पड़ते हैं। देखो बैठने वाला यूज़ करना पड़ता है, ये सब यूज़ करना पड़ता है,
तो वही बात है, मतलब देखो अभी ये बैठने का भी बताता हूँ, रुक जाओ अच्छे से सेंटर में आते। सो देखो यहाँ पर ये देखो पंच वाला दिख रहा है, पंच के ऊपर हम लोग अपना रखते हैं स्कोप वाला बटन यूज़ करते हैं, पंच वाला, जंप वाला, बैठने वाला, लेटने वाला, इतनी सारी बटन यूज़ करते हैं, और चेंज करने वाला भी, गन चेंज करने वाला और रिलोड वाला भी, तो जिसकी वजह से स्कोप में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्कोप को थोड़ा लेफ्ट में रखो, ताकि मतलब राइट वाले थंब पे ज़्यादा प्रेशर ना बढ़े। और जो लोग फोर फिंगर्स खेलते हैं उन लोग को तो पता ही है, उन लोग तो खुद ही साइड में रखे रहते हैं, क्योंकि उन लोग फोर फिंगर्स यूज़ करते हैं, दो फिंगर्स जब ये साइड में, तो यहाँ पर इतने सारे ना सब बटन्स रखने का कोई काम ही नहीं है। सो वही मैं बता रहा था। अभी आते सेंसिटिविटी पे, सेंसिटिविटी में मैं आखिरी में आता हूँ। ये सब 4x 2x वो सब अपने हिसाब से रखो, मैं अभी बस स्नाइपर के बारे में बताने वाला। सो AWM वाला स्कोप दिख रहा है ना, इसमें देखो अभी मैंने 100 पे रखा, तो 100 पे क्या होता है, देखो अभी स्कोप खोला, अभी इसको देखो, अभी मैं ड्रैग कर रहा हूँ, रुको, अच्छे से ड्रैग नहीं होता है देखो। सो ये जो ड्रैग वाला रहता है ना, ये सेंसिटिविटी होता है। यहाँ पर देखो अभी मैं ऐसे अच्छे से ड्रैग हो रहा है 100 पे, इसलिए अच्छे से ड्रैग हो रहा है, और मैं आराम से ड्रैग करके मार भी दूंगा, देखो कितने अच्छे से ड्रैग हो रहा है। अभी मैं इसको कम करता हूँ 100 पे, तो अभी 0 पे, अभी देखो अभी ड्रैग का देखना क्या होता है, ड्रैग हो ही नहीं रहा, ऐसा जोर से घिसना पड़ रहा है अंगूठे को, ऐसा जोर से ऐसा अंगूठे को घिसेंगे तब जाके ड्रैग होता है। सो इसमें भी मतलब मीनिंग रहता है, और देखा तो जो लोग का मतलब ऐसा रहता है ना, जिन लोग बहुत कम ड्रैग करते हैं उन लोग फुल पे रखो, मतलब हल्का सा अंगूठा को ऐसा हल्का सा हिलाते उसको फुल पे रखो 100 पे। और जो लोग मतलब इतना मतलब मतलब बोलते हैं ना कि ड्रैग नहीं करते जोर से, देखो उन लोग के लिए कम से कम 20 तो रखो, मतलब एकदम भी 0 मत रखो। जो लोग हाँ ना बहुत ज़्यादा ड्रैग करते उन लोग एकदम से 0 मत रखो, 20 पे कम से कम रखो, ताकि कंट्रोल हो पाए। अभी मेरा कैसे, मेरा 100 पे रहता है तो मेरे को अच्छे से होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा ड्रैग भी नहीं करता, प्लस मैं कंट्रोल भी कर लेता हूँ अगर ज़्यादा ड्रैग होगा तो। सो इसलिए मैंने ना बताया कि जो 20 वाले ना, उन लोग अपना 20 पे ही रखो, उन लोग ज़्यादा हाई मत करो, वरना तो शॉट सारे मिस हो जाएंगे वरना। सो यही बता रहा था। अभी यहाँ पर मैंने अपना नॉर्मल पे रख लिया, जैसे मैं अपना रखता हूँ, और अभी क्या, अभी गन चॉइस पे भी आते, एको पहले मतलब दिखा देता हूँ अच्छे से कि कैसे ड्रैग हो रहा है, अच्छे से पहले देख लो थोड़ा सा, मतलब ड्रैग वगैरह देख लो तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि ड्रैग होता क्या है, कैसे करते हैं। और मैं तो बोलूँगा स्कोप वाला बटन ज़्यादा यूज़ मत करो, वो जो होल्ड टू फायर मैंने बताया ना वही यूज़ करो, ताकि जब होल्ड करोगे तब अच्छे से लगेगा कम से कम। अभी देखो अभी, और अभी मैं बताता हूँ शॉट कैसे मारने का। अपोजिट में जाओ हमेशा, अपोजिट में, मतलब ये देखो ये वाले को मैं मारना चाहता हूँ, सो इसके साथ में आगे मत जाओ, इसके साथ में आगे जाओगे ना तो कोई ना कोई ऐसा मतलब हल्का सा शॉट मिस होगा। इसके अपोजिट में जाओ, देखो अभी इसके अपोजिट में जाएगा, अच्छे से हेड शॉट लगा, उसके साथ में मत जाओ। अगर वो राइट में जा रहा है तो राइट में मत जाओ, अगर वो राइट में जा रहा है तो आना सीधा मतलब लेफ्ट से और फिर मारो, देखो ये आया मारा, ऐसा यूज़ करो। मतलब साथ में जाओगे ना तो साथ में जाने पे कभी हमेशा शॉट मिस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्कोप यूज़ करना पड़ता है। सो यही बता रहा था, हमेशा अपोजिट यूज़ करो, अपोजिट डायरेक्शन। और अभी गन की चॉइस पे बताता हूँ, गन कॉम्बिनेशन, तीन गन्स होती है AWM, को एक ही ले लो, AWY AWM, और एक M2P और एक Kar98। Kar98 को अवॉइड करो, मैं तो यही बोलूँगा। डबल AWM कभी मत रखो, क्योंकि डबल AWM इतने काम नहीं आते। मैं हमेशा बोलूँगा कि एक AWM और एक M2P। Kar98 अगर स्टार्टिंग में मिल रहे तो यूज़ करो, बल्कि सोचते हो कि पूरा मैच उसी से खेलेंगे तो मत, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो मतलब M2P का डैमेज कम रहता है, AWM का डैमेज बहुत ज़्यादा रहता है, पर लेकिन जहाँ पर अभी मतलब कोई ऐसा भाग रहा है सीधा स्नाइप कर रहे हो तो वहाँ पर AWM यूज़ करो, पर लेकिन जहाँ पर कोई ग्लू वॉल लगा देते हैं वहाँ पर M2P यूज़ करो, वहाँ पर M2P बहुत काम करता है, क्योंकि AWM ग्लू वॉल को तोड़ने में बहुत टाइम लगाता है, और M2P का तो पता ही है सीन, अगर कोई पीछे है तो सीधा उसको डैमेज मिलेगा, या फिर वो दो शॉट में तो ग्लू वॉल तोड़ ही देती है, पर लेकिन AWM का कम से कम 4 शॉट तो लग ही जाता है ऐसे। सो वही मैं बोलता हूँ, ये देखो डैमेज भी देख लो, डैमेज भी दिखा रहा हूँ कैसा डैमेज आता है। AWM का 300 300 आते ही रहते हैं,
अभी देखते हैं हेडशॉट कितने का पड़ते हैं इसका। देखो मैंने जैसे ही बोला था 1100, अभी एवेंट पे का कुछ 900 तक आते हैं बस, रुक जाओ यहाँ पर ही मारेंगे। सो इसका आएगा देख लो कितना आया, 900 बोला था ना, 900 ही जितना आया, 1000 से ऊपर नहीं जाता देख लो। और अगर कहीं साइड पे मार रहे हो तो 300 का आता है सिर्फ AWM का, और M2P का मुश्किल से 169, बहुत कम डैमेज है पर लेकिन ब्लू वॉल के टाइम में बस M2P अच्छा रहता है। और अभी हेडशॉट के लिए यूज़ करते हैं। देखो मैंने मतलब जैसे ही डिफ़ॉल्ट एम बनाना सिखाया M-Mode वाले बटन से, सो अभी हेडशॉट कैसे बनने का सब लोग को मैं देखता हूँ। उन लोग ऐसा मतलब ऐसा नीचे रख के जाते, ऐसा ये तो ऊपर रखो मैंने, रुक जाओ, ऐसा मतलब नीचे रख के जाते, नीचे कभी मत रखो उसको ना ऊपर, ये देखो नीचे रखोगे तो नीचे जाएगा एम, ऐसा सब लोग नीचे ऐसा रख के भागते तो फायर करोगे तो नीचे, ऐसा ऊपर रखो, ये देखो यहाँ पर ऐसा ऊपर रखो, थोड़ा अजीब लगता है पर लेकिन इससे हेडशॉट बहुत अच्छे लगते। ये देखो अभी ऐसे नीचे रख के भागोगे, गना ही हाथ में कोई सामने आने में तो हो नहीं पाएगा, ऊपर जैसे देखो अभी मैंने कैसे ऊपर रखा है डिफ़ॉल्ट एम, वैसे ही रखो ये देखो, और ज़्यादा ऊपर आता है तो इसको नीचे ड्रैग मत, रुक जाओ थोड़ा आगे, हाँ देखो यहाँ पर अभी हेडशॉट नहीं आ रहा तो देखो ऐसा हेडशॉट पड़ेगा, बैठ के मारो ऐसा उसके सामने ऐसा रुक के, वो तो इतना खड़ा थोड़ी ना रहेगा, वो बोलेगा आके मेरे को मार, ऐसा नीचे ड्रैग मत करने जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ के मारो, बैठ के मारोगे सीधा हेड पैग आएगी गोली और सीधा डैमेज अच्छा खासा पड़ जाएगा उसको। सो ये मैं बता रहा हूँ बेमतलब का, ऐसा ड्रैग मत करते बैठो, स्क्रीन को ऐसा ड्रैग करोगे फिर वरना हेडशॉट मारोगे, इतना कोई रुकेगा नहीं कि आओ मेरे को मारो, मैं दे रहा हूँ टाइम, मारो मेरे को, ऐसा कोई नहीं करता। सो वही मैं बोलूँगा कि इसको ऊपर देखो, और मेरे को सर्दी हुई है थोड़ी तो आवाज़ इधर उधर हो रही है पर लेकिन तब भी कंटेंट आते रहेगा। और बस आज के लिए इतना ही। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर करके सब्सक्राइब कर देना, और अपने ट्यूशन फ्रेंड को दिखाओ, स्कूल फ्रेंड को दिखाओ, डेली वीडियोस के लिए डेली वीडियोस डाल रहा हूँ मैं। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना, और